सो हेलो एवरीवन, आज हम उसी वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए। तो वीडियो जहाँ पे ख़त्म हुई, कहीं ना कहीं हम एक तरह से एंट्री कर गए थे प्रोटीन कार्ब्स और फैट पे कि हमें कितना प्रोटीन कार्ब्स और फैट लेना चाहिए। वैसे तो बाकी मैंने डिस्कस किया होगा किसी न किसी वीडियो में प्रोटीन कार्ब्स को लेकर। बट अगर आप नॉर्मल अगर खाना खा रहे हो, जैसे कि नॉर्मल कोई फिक्स रूटीन नहीं है, कोई फिक्स डाइट नहीं है, तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, बात रहती है, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि देखो, एक वो चीज़ अलग है कि लाइक क्या बेस्ट है आपके लिए, क्या ऑप्टिमल है, कितने पे आपकी बॉडी ज़्यादा परफॉर्म करेगी। बट हमें बेहतर है कि हम ऐसी चीज़ें इस तरह चीज़ें करें कि हम सस्टेन कर सकें। सस्टेन मतलब कि उसको आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सको। तो बात रही प्रोटीन की, तो देखो मैं प्रोटीन के बारे में डायरेक्टली बात नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि आपकी जो डाइट है, मान लो अगर आप एक नॉर्थ इंडियन हो तो आप बेसिकली जो सुबह बैठ के नाश्ता करते हो, रोटी सब्जी हो गया, ब्रेड चाय हो गया, लंच हो गया, लंच में दाल चावल होती यूजुअली खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, शाम को कुछ फिक्स नहीं होता, और उसके बाद सीधा रात में फिर डिनर होता है। सो ये अप्रोच होता है। तो हमें करना क्या है कि हमें ये करना है कि आप अपनी डाइट, ये जो दाल चावल रोटी सब्जी की ये सब है वो खाते रहो, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। हाँ, हमारा जो अप्रोच होना चाहिए कि अपने खाने को ज़्यादा न्यूट्रिशियस कैसे बनाना है। तो जस्ट एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हो, ठीक है, तो रोटी सब्जी खा रहे हो तो बेहतर है कि उसमें मैं कहूँगा कि सबसे आसान तरीका मैं बता रहा कि आप उसको रोटी सब्जी खाओ ही खाओ, कोई ज़रूरत नहीं उसको चेंज करने की। साथ में आप क्या कर लो, कुछ प्रोटीन का सोर्स जैसे दूध हो गया, ठीक है, दूध हो गया, दही हो गई। दूध दही इस वजह से मैं पर्टिकुलरली कह रहा कि वो आसानी से आप कर पाओगे। अगर मैं कह दूंगा कि आपको अंडे उबाल लो, चिकन खा लो, तो हो सकता है 90% लोग ना कर पाए। सो ये हो गया आपका कि लाइक आप दूध या दूध में ओट्स बना लो, या ओट्स खा लो, या मूसली खा लो, या दही खा लो, ठीक है। ये आपका एक मतलब हो गया कि प्रोटीन आपकी डाइट में ऐड हो गया, रोटी सब्जी के साथ या ब्रेड चाय के साथ दही का, और दही ये दूध का कॉम्बिनेशन तो बड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा सा गैप रख के आप खा सकते हो उसको। फिर आता है हमारा जो स्नैक का टाइम, मतलब स्नैक मतलब कि देखो यार, स्नैक थोड़ा फैंसी वर्ड है, बट हम हर कोई स्नैक करता है, कुछ ना कुछ खाता रहता है बीच में। सो 11 बजे के आसपास अगर आप स्नैक करते हो, स्नैक मतलब चाय ही पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, तो लेट इट बी, वैसे ही रहने दो उसको, बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की सडनली ज़रूरत नहीं है। बात आती है अब लंच की। लंच में ये कर सकते हैं कि लंच में दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो तो आपको क्या करना है कि दाल को बढ़ा लेना है, ठीक है, दाल को थोड़ा बढ़ा लेना है और दही ऐड कर लेनी है। दही ऐड करने से बेनिफिट होगा, एक तो पहली बात कि आपकी प्रोटीन इंटेक बढ़ेगी, सेकेंडली ये कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रोबायोटिक फूड है, जैसे दही प्रोबायोटिक फूड है, तो आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। अब जो मैं मेनली बेसिकली कहूँगा कि जो मेन हम लोग का मिसिंग गैप है ना, वो हमारा लंच के खाने से लेके रात के डिनर तक है, बहुत लंबा गैप है। सो आपको क्या करना है, इनिशियली पहले तो एक रूटीन ही बना लेना है कि आपको बस कुछ खाना है। तो आप दोपहर के बाद से रात में खाने से पहले एटलीस्ट शाम को 4-5 बजे इवन आप कुछ ना कुछ खाओ। जैसे पहले तो मैं कहूँगा कि पहले कुछ खाओ। एक बार अगर हम रूटीन में आ गए तो हम अपने फूड चॉइसेस को भी बदल सकते हैं, फूड सिलेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। सो दाल चावल रोटी सब्जी लंच में खा लिया, दही खा लिया, अब आपको क्या करना है, अगर जो आपके घर में बेसिकली नॉर्थ इंडियन हो तो आप ब्रेड चाय खाते होगे, कुछ ना कुछ स्नैक बनता होगा, वो खाते होगे, नमकीन खा लेते होगे, ठीक है। तो आपको टाइमली बस ये करना है, अभी क्या अप्रोच ये है कि उसको टाइमली खाना है, ठीक है, 4-5 बजे जो भी खाते हो एक टाइम बना लो, खाते रहो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको डिनर, नॉर्मल डिनर हो गया डिनर में, और डिनर की रात में फिर सोने से पहले दूध पीना है। तो देखो, हमारा जो अप्रोच होना चाहिए ना, पहले तो टाइम को लेकर होना चाहिए, पहले हमारे रूटीन को लेकर होना चाहिए। एंड 90% जो लोग इशू है रूटीन में ही इशू है। अगर और लोगों को लगता है कि अगर रूटीन आगे पीछे करने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत चीज़ें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रिजल्ट्स फैक्टर आते हैं। एक बार अगर टाइमली खा के देखो गया तो आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है टाइमली खाने का मतलब और बस ऐसे रेंडमली खा लेना। तो मैं कहूँगा कि प्रोटीन कार्ब्स फैट का अप्रोच अभी छोड़ो, जैसे जिनको अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आप पहले टाइम पे फोकस करो। टाइम पे फोकस करने के बाद जब आप अब वो भी देखो बहुत सडनली आपको ये नहीं किया चलो आज टाइम पे फोकस हो गया, कल अब चलो इसको और बेटर बनाते हैं फूड को, ठीक है, नहीं,
आपको कम से कम थोड़ा टाइम देना है, 1 महीना 1.5 महीना, ताकि आप उस चीज़ को यूज टू हो जाओ, ताकि उसमें अगर कोई भी चेंजेस करते हो तो आप अनकंफर्टेबल फील ना करो। तो जैसे आपका पहला काम है अपने डाइट को एक टाइमली बांधना, ठीक है, जो भी खा रहे हो, ब्रेड चाय खा रहे हो, दही खा रहे हो, रोटी सब्जी खा रहे हो, खाओ, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा जो अप्रोच है ना, हमारा टाइम को लेकर है, टाइम को लेकर अगर आपका एक बार टाइम को लेकर रूटीन बन गया तो उसके बाद आप 1000 चीज़ें चेंजेस कर सकते हो। अब जो हमारा सेकेंड काम है कि एक बार हम रूटीन में आ गए, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें फूड सेलेक्शन पर ध्यान देना है। जो हम सुनते हैं कि यार सब कुछ मेरा, मैं पतला हूँ बट मेरे पेट निकला हुआ, वो फूड सेलेक्शन को लेकर होता है कि हम क्या खाने में खा रहे हैं। देखो जैसे एक किसी बंदे का, जैसे कोई बंदा अगर बहुत बाहर का खाता है, एक दिन छोला भटूरा खा रहा है, तो जो डेली छोला भटूरा खा रहा है तो उसका उसकी डाइट को मैनेज करना आसान है, रदर देन क्या छोला भटूरा खा रहा है, कल डोसा खा रहा है, परसों पाव भाजी खा रहा है, मतलब ऐसे जो चेंजेस करते रहते ना उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें चेंज करना। तो हर चीज़ का एक तरीका है, हर चीज़ का एक अप्रोच होना चाहिए। मैं कहूँगा कि पहले आप टाइम पे फोकस करो, टाइम के एक बार आप यूज टू हो जाओ, आप टाइम लो, उस टाइम बनाने के लिए आप 2-3 महीने ले लो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। एक बार आप रूटीन में आ गए, उसके बाद हम फूड सिलेक्शन पर ध्यान देंगे। फूड सिलेक्शन पर ध्यान देने के बाद, फूड सिलेक्शन एक बार हो गया तो उसके बाद हम बात करते हैं मैक्रोज की, कि प्रोटीन कितना, कार्ब्स कितना, फैट कितना, और अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स रिजल्ट उससे हम निकालते हैं। लेकिन ये बहुत ही जल्दी का प्रोसेस नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। रीजन बीइंग कि देखो करने को तो आज 3 दिन में कर दोगे, बट ये है कि आप उसको 4th दिन फॉलो नहीं कर पाओगे। सो मैं चाहता हूँ कि आपके लाइफ का पार्ट बने फिटनेस, ना कि आपकी लाइफ ही बन जाए पूरी फिटनेस। एंड ये चीज़ हम बहुत लैक कर रही है इस टाइम, क्योंकि हर कोई वो थोड़ा सा कूल साउंड करने के लिए, थोड़ा सा मे बी आउटस्टैंड करने के लिए अपने आप को फिटनेस बॉय कह लो या मतलब फिटनेस फ्रीक कह लो, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, रेदर देन इस पर फोकस करने वजह कि उसका मेन मोटो क्या है वर्कआउट करने का। सो ये था इस वीडियो का सेकेंड पार्ट, लाइक कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। एंड लाइक बहुत सारे कंटेंट्स हम लाते रहेंगे, थोड़ा सा डिले हो रहा है, रीजन बीइंग की जैसा मैंने बताया कि मैं अभी कर रहा हूँ प्रेप, गेम की प्रेप कर रहा हूँ अभी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि लाइक मेरी प्रेप कैसी चल रही है। अभी नहीं, जैसे थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिप्लीशन वाला फेज चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें बताना मुश्किल है। लेकिन जैसे हम इन सब चीज़ों से फ्री होते हैं, टाइम मिलता है, हम आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, बॉडी बिल्डिंग के हर एक अप्रोच के बारे में बताएंगे, जो मैंने एज अ बिगनर एज अ फर्स्ट टाइमर सीखा है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग न्यूट्रिशन एट ऑफिशियल, हम ऐसे ही कंटेंट्स लाते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग अस।